अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे तो किसी ने कहा, हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूं कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये हैं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो से जो काम लिया मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर, 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई, उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक, आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल व इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है, और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दो शीजा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी हैं, तो हजरत क्या किया जाए? तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत, लिखते हैं, ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं। और कासिद को कहा, ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है, लोग हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैवंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर है रदी अल्लाह ताला अन्हो के, जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकत का नजूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया, फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो वो मुस्करा के कहते, हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा, कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा, मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल के ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराहना रख के सोए हुए। तो उसने कहा, उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पर भी नींद आ गई, हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया, और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए, आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद
جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ذریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرہ دیتے، راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔